एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप ब्यूटी हॉप। एंड आज की वीडियो है मेरी बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर द रूप मंत्रा, या रूप मंत्रा के ऊपर वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दे देना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो है मेरी रूप मंत्रा की, क्योंकि आप लोगों ने तो हेडिंग पर ही लिया होगा या टॉपिक आप लोगों ने देखा है। रूप मंत्रा के ऊपर पूरी रिव्यू है, फुल रिव्यू है। तो मैं इसके आप इनर पैकेजिंग आप देख सकते हैं, मैंने ऑर्थो पैकेजिंग फेंक दिया है। एंड इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। मेरे पास टीनी सा पैक है, क्योंकि मैं टीनी सा पैक मैं इसे लेकर यूज़ करके मैं फिर अगर अच्छा रहता तो मैं इसे रीपर्चेस करती, तो मैं इसलिए पहले टीनी पैक ही यूज़ करती हूँ एंड इसे अपनी ट्राई करती हूँ। या तो मेरे पास है ये 48 रुपीज़ का है, जिनकी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ 15 ग्राम है, या 15 ग्राम है जो मुझे 48 में। ये आपको इजीली कॉस्मेटिक शॉप या आपको ब्यूटी शॉप में कहीं पे भी आपको ये मिल सकता है, या आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। बट मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था विथ नायका से, या मैंने नायका से परचेस किया था इसे। एंड इसकी क्वांटिटी आप देख, इसकी आप इनर पैकेजिंग देख सकते हो। एंड इसका नॉइस कैप है, ये आपको ट्रैवल फ्रेंडली भी बहुत अच्छा, आप इसे लेकर जा सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली है ये, कहीं से भी लीकेज नहीं होता है, ये बहुत अच्छा सा पैक है। बट आप पैकेट के छोड़ते हैं, अब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे इसकी जैसे क्लेम है कि ये आपके स्किन पे डार्क स्पॉट, पिंपल्स, मार्क, एक्ने को आने से रोकेगा, ऐसा कुछ नहीं करता, इसकी ये क्लेम है। बट मुझे ऐसा कुछ भी इसके वर्कआउट नहीं लगा है, क्योंकि इसमें जैसा लिखा हुआ है कि ये आपके डार्क स्पॉट, ये आपको पिंपल को आने से रोकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं इसे 15 डेज से यूज़ कर चुकी हूँ, ये टीनी से पैक है, बट ऐसा कुछ काम मुझे अपने फेस पे थोड़ी सी चेंज भी नहीं लगी है। ना पिंपल को आने से रोकता है ये, ना आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, हाइड करता है, और ना ही ये एक्ने पिंपल्स को ख़त्म करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे इसके क्लेम है। तो मुझे ये एंड ये इसकी जैसे बात है कि ये आयुर्वेदिक मेडिकलिंग क्रीम है, ये कॉस्मेटिक नहीं है। अच्छी बात है इसकी कि यह कॉस्मेटिक नहीं है, तो मैं ये सोच कर ही इसे परचेस किया था। बट जैसे इसकी क्लेम है तो मुझे इसका कोई ऐसा काम नहीं दिखा है। अब इसके अगर टेक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हो ये क्रीमी सा है। इसकी टेक्चर की बात की जाए, मैं थोड़ी सी इसे ली हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रोडक्ट मैंने लिया है। ये पिंकिश कलर का है, आप देख सकते हो ये बहुत ही थिक टेक्सचर है इसकी। एंड ये आपको ना थोड़ी बहुत फेस में लगाकर आप इसे मसाज करते रहो, इसे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ये अब्जॉर्ब बहुत जल्दी नहीं होता है। आप देख सकते हो कितने देर मैं मसाज करूँ, फिर से 2-3 सेकेंड आप तो इसे दे दो, 5 सेकेंड डेफिनेटली आप इसे दे दो। एंड ये आपके फेस में अप्लाई करते ही आपके वाइट कास्ट छोड़ देता है हमारे फेस में, आप जैसे कि देख सकते हो पैचिस एकदम लगता है हमारा फेस। तो मुझे तो बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं अच्छा लगता है, ये थोड़ी बहुत तो ब्राइट करता है हमारे फेस को, बट ऐसा भी क्या ब्राइट करता है जो हमारे फेस में वाइट कास्ट ही छोड़ कर चला जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि तो ये आप देख सकते हैं कैसे वाइट कास्ट छोड़ गया है हमारे हैंड्स पे ही, मैंने इसे हाथ पे अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं अगर फेस में अप्लाई करते तो यहाँ टी जोन एरिया में, फेस पे, चिक्स पे, पूरे मतलब कि वाइट कास्ट ये छोड़ के चला जाता है, जो बिल्कुल भी एकदम चिपेट्स लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। समर में तो ये बिल्कुल भी आप ट्राई मत करो, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये स्वेट प्रूफ तो नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके स्वेट लेस नहीं करता, ये और भी पसीना लाता है हमारे फेस पे। एंड जिनको ऑयली स्किन है तो मैं उनको तो ज़रा सा भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे एक बार परचेस करो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि जिनके ऑयली स्किन है तो उनके तो फेस में ऑब्वियसली पसीने बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो ये लगाकर तो आपको और भी ज़्यादा आने वाले हैं। एंड अगर जिनकी ड्राई स्किन है वो भी बिल्कुल ट्राई मत करें, क्योंकि ये आप लगाने के बाद थोड़ी बहुत ना ड्राइनेस आपको फील होती है। एंड जैसे कि मैंने हाथ में लगाया तो थोड़ी सी पैची से लग रहा है, खींच रहा है मेरी स्किन, तो मुझे ड्राई लगता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी इसे ना परचेस करें, और ना ऑयली स्किन वाले। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू सेंसिटिव है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है, तो आप इसे यूज़ ज़रूर करें एक बार। अगर आप बोलोगे कि मैं इसे रिपर्चेस करूँगी या नहीं, तो मैं बिल्कुल भी इसे रिपर्चेस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल बेकार सा ये लगा है मुझे क्रीम। वैसा बेस्ट ये है, आयुर्वेदिक क्रीम है ये, जैसा इसका नाम है ऐसा कुछ काम नहीं करता है।
तो मैं इसके टेक्सचर की जैसे कि बात हो चुकी है, ये बहुत ही थिक टेक्सचर है एंड लेकिन ये मतलब कि जिनके नॉर्मल स्किन है ये वही ट्राई कर सकते हैं। ऑयली और ड्राई स्किन वाले तो इसे आप एक बार भी ट्राई मत करो। एंड मैं ये 15 डेज से ट्राई कर रही हूँ, मेरे फेस में कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आए 15 डेज बिफोर 15 डेज के, तो मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगे अपने फेस पे, इसलिए मैंने आपके साथ अपनी फीडबैक शेयर की हूँ। अगर आप भी इसे नॉर्मल स्किन वाले ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें एंड अपनी फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करें। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उनको लाइक ज़रूर करना एंड सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना मिले, मैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अब तक के लिए बाय, टेक केयर।